तो इसके साथ साथ आगे भी जो है वो नेक्स्ट वीक रिजल्ट सीजन कंटिन्यू रहेंगे। अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये फ्राइडे वाला सेशन, जो आज के दिन का सेशन था बहुत अच्छा रहा। और इस वीक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी अस्सलाम वालेकुम वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। इस वीक मार्केट में हमने देखा जब हफ्ते का आगाज़ हुआ तो बहुत एक मुस्बत और मार्केट ने जो है पॉजिटिव पॉइंट के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की आ रही थी कि एक तो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आए हैं जिसके बाद डॉलर जो है वो तकरीबन 10-12 रुपए के करीब नीचे आया ड्यूरिंग द वीक। उसके साथ साथ जिस तरह कुछ कमिटमेंट्स हुई है वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और मार्केट जो है तकरीबन 508 पॉइंट्स इंक्रीज़ के बाद जो है 41,128 के लेवल पे जो है बंद हुई है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो वॉल्यूम्स अभी भी जो है काफ़ी श्रिंक है और उस तरह एक्टिविटी अभी भी इन्वेस्टर की इंक्रीज़ नहीं हुई है, क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में बताते आ रहे हैं कि इन्वेस्टर के अभी भी कंसर्न्स हैं। वेनिसडे वाले दिन जो HBL की खबर आई सुबह जब स्टॉक खुला HBL का और जिस तरह उस पर केस चल रहा है, तो हमने देखा कि HBL के ना लॉक लगा जिसने जो है मार्केट के सेंटीमेंट्स को जो है वो ख़राब कर दिया। उसके साथ साथ फ्राइडे वाले दिन TRG का रिजल्ट्स भी आया तो थोड़ा सा लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद वो डिविडेंड देगा, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दिया और इवन जो है एनुअल में लॉस है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इनिशियली जो है वो डाउनवर्ड गया था, लेकिन इसके बाद जो है वापस से रिकवर हो गया। ड्यूरिंग द वीक जो है वो TRG ने जो है वो इंडेक्स को और मार्केट को जो है वो बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा जी, इसके साथ साथ जैसे नेक्स्ट वीक के अंदर जो है इन्फ्लेशन के नंबर भी आने हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन जो है जो हमारी फोरकास्ट है वो 25% से ऊपर आ रही है एज़ कम्पेयर टू 27% से ऊपर जो है लास्ट मंथ आई थी। और उसके साथ साथ आज एक्सपेक्टेशन ये भी है कि पेट्रोल की प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी जो कम हो जाएगी और ये थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करेगी। और थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन जो है अब वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ जा रही है, हालांकि अभी भी जो है वो 22% से ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग फिस्कल ईयर FY23 की। लेकिन ये है कि जो अगर गैस प्राइसेस नहीं बढ़ती या इस तरह के कोई फूड वूड का प्राइसेस का जो इम्पैक्ट नहीं आता तो इन्फ्लेशन जो है हमें डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जो है वो जाते हुए जो है वो नज़र आएंगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इसकी ये जो है वो क्वार्टर भी ख़त्म हुआ है और इसमें जो एक क्या कहते हैं प्लस पॉइंट ये भी था कि क्योंकि क्लोजिंग होती है म्यूचुअल फंड्स की, बैंक्स की और बहुत सारी कंपनीज की, तो उनकी भी बाइंग आती है और वो उसकी वजह से भी मार्केट में जो है हमने थोड़ा सा पॉजिटिव जो है वो मोमेंटम देखा। नेक्स्ट मंथ जिस तरह हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 अरब डॉलर की कमिटमेंट की है, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट की, आगे हम चाइना के पास जा रहे हैं वहाँ से कुछ हो है, तो अगर ये इन्फ्लोज वगैरह आते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो है बड़ा सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को और उसके साथ साथ इन्वेस्टर के जो है वो सेंटीमेंट्स को, क्योंकि जो एक 10 बिलियन डॉलर से ऊपर जो एक हमारा जो एक लेवल है उसे शायद हमारे ऊपर रिजर्व चले जाएँ अगर दोनों अमाउंट जो है वो आ जाती है। इसके साथ साथ IMF से बातें भी चल रही हैं, इस तरह की न्यूज़ है कि शायद जो नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं वो IMF से जो है वो शायद डिस्कस करें चीज़ें और फ्लड की वजह से थोड़ा सा जो है वो रिलीफ वगैरह भी मांगें, तो ये इनिशियली बहुत अभी इनिशियल स्टेट पर ही देखते हैं कि आगे किस तरह चलती हैं। लेकिन जो एक रिस्क है अभी भी वो इन्फ्लेशन जो है रिसेशन का, सॉरी दुनिया भर में जिस तरह मार्केट डिक्लाइन हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो ये जो है वो हमारी एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक जो इफेक्ट कर सकती है, खासतौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को। बाकी इसके अलावा ऑयल प्राइसेस अगर नीचे जाती है तो हमें वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगी। इसके साथ साथ 10 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है और उसमें एक्सपेक्टेशन इस तरह लग रहा है कि शायद पॉलिसी रेट जो है अनचेंज रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि रुपी जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, इसके बाद ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी इंटरनेशनल में जो है इंटरनेशनल मार्केट दुनिया भर में नीचे आई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सपोर्ट करेंगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट में अब थोड़ी सी गुंजाइश बनती है अगर पॉलिटिकल साइड पे कुछ तरह का इवेंट नहीं होता है, तो जहाँ पे हमें शायद थोड़ी सी मार्केट के अंदर नेक्स्ट मंथ से हो सकता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट भी नज़र आए और शायद जो है वो मार्केट में भी बेहतरी नज़र आए। लेकिन अभी भी क्योंकि रिस्क बहुत सारे हैं तो मार्केट में जो है अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर काम करना चाहिए और मार्केट और जो इन्वेस्टर हैं उसके मोमेंटम को देखते हुए जो है वो काम करना चाहिए। शुक्रिया।